एक्चुअली बुलबुल हमारे घर पे रूप बदल कर आई है अपना, जस्ट ये क्लेरिफाई करने के लिए कि ये जो विजय की शादी का जो कुछ भी है तो वो पता करने आई है कि आखिर सच क्या है, किसका इन्वॉल्वमेंट है इसने इस चीज़ में। तो मैं देख लेती हूँ कि रात के टाइम पे ना एक ये जो हमारे घर पे मालिश करने वाली आई है वो ऐसे घूम रही है, तो मैं उसको पूछती हूँ रोक कर कि आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही है, क्या पता कर रही है। तो वो ऐसे बहाना दे देती है कि मैं एक्चुअली रामायण वामायण पढ़ रही थी कुछ, तो बेसिकली वो देख रही थी विजय और उसकी शादी का एल्बम कुछ देख रही थी एंड उसको वो सारी चीज़ें याद आ रही थी। तो जो रामायण देख कर मैं उसको बोलती हूँ कि आप ये रामायण क्यों पढ़ती हो, मतलब इट्स वेरी सैड कि उनको राम जी को पूरा वनवास में रहना पड़ा था। तो मुझे ना कुछ बेसिक चीज़ें बताती है उसमें कि नहीं आपको इसका मतलब इसका देखने का नज़रिया अलग है, सच में तो रामायण बहुत ही अच्छी है, सीता की पूरी जर्नी है, कैसे उसने सर्वाइव किया, कैसे क्या क्या उनके साथ बीता। और फिर वो मुझे बोलती है एंड में कि आखिर सच चाहे मतलब झूठ चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच के सामने हमेशा छोटा हो ही जाता है, आप कुछ भी कर लो तो झूठ हमेशा सामने निकल के आएगा ही। तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती हूँ ये सुनकर कि बात तो वो बिल्कुल सच कह रही है, बिकॉज़ विजय से मैं प्यार करती हूँ बट उसके साथ यहाँ तक इस जर्नी तक यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने झूठ का सहारा लिया, बिकॉज एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। सो मैं थोड़ा सा डरी हुई हूँ कि झूठ तो मैंने बोला है तो अभी मैं क्या करूँ, तो थोड़ा सा मंदिरा थोड़ा शैटर्ड हो जाती है। हाँ मंदिरा बस वो मंदिरा ने देखा नहीं था कि वो एल्बम देख रही है, वो उसका अलग है, वो तो ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से पता चलेगा वो एल्बम देख रही है, बट मंदिरा को पता नहीं था। मंदिरा को बस इस औरत पे शक हो रहा है कि औरत इतना कैसे बिंदास घूम रही है घर पे, सो इसलिए वो थोड़ा सा सस्पिशियस होके पूछती है उसको कि क्या है ये सब कुछ। तो डाउट तो है मंदिरा को बट अभी तक उसको कुछ पता नहीं चला है। थैंक यू।